नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। अब समाचार विस्तार से। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने चोरी का अपराध खातिर करने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में रामगढ़ताल थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सन्नी निषाद पुत्र राकेश निषाद निवासी रामपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 4 मोबाइल, एक लोहा काटने की कटर मशीन बरामद किया गया है। रामगढ़ताल थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैंने लोहा काटने की कटर मशीन को कबाड़ की दुकान से 21 व 22 जून की रात्रि में चुराया था। उसी रात्रि में 2 लोगों के एंड्रॉइड मोबाइल भी चुराया था। कीपैड मोबाइल के संबंध में पूछने पर माकूल जवाब नहीं दे सके तथा बताया कि मैंने ये दोनों मोबाइल भी चोरी किया है, लेकिन कहां से चोरी किया हूं इसके संबंध में मुझे स्पष्ट याद नहीं है। आज ये सारा सामान बोरी में लेकर बेचने जा रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी शशि भूषण राय, उप निरीक्षक रवि सेन यादव, कांस्टेबल अमित गिरी, मनोज चौधरी शामिल रहे।